सायला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरसों के खेत में अवैध अफीम के डोडे लगे 310 पौधे किए बरामद, एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। सायला उपकंड क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के साथ साथ अब खेती भी की जा रही है। सायला पुलिस व जालौर DST टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 310 डोडा पोस्ट के अफीम लगे पौधे बरामद किए हैं। सायला थानाधिकारी प्रदीप डांगा व DST टीम के लालाराम के नेतृत्व में आलवाड़ा ग्राम में मुखबिर की सूचना पर डोडा पोस्त की खेती किए हुए 310 पौधे बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से डोडा पोस्त को लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि आलवाड़ा ग्राम में मादक पदार्थ की खेती की जा रही है। सायला थाने की टीम व DST जालौर की टीम ने आलवाड़ा निवासी समर्थाराम सौगा जी प्रजापत के खेत में दबिश दी। तलाशी के दौरान खेत में रायडा की फसल में बोए हुए 300 पौधे बरामद किए। आरोपी समर्थाराम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। गौरतलब है कि सायला थाना क्षेत्र के असाणा ग्राम में भी इससे पहले 2 बार अवैध डोडा पोस्त के पौधे बरामद किए थे। कार्रवाई पुलिस टीम में थानाधिकारी प्रदीप डांगा, हेड कांस्टेबल मोहनलाल, कांस्टेबल राजेंद्र कुमार, सांवला राम, चंद्र प्रकाश, महेश, सुशीला विश्नोई, सालक सुनीलाल सहित जालौर DST टीम प्रभारी लालाराम, कांस्टेबल दिनेश नैनाराम, हरीश, सालक अजयपाल सिंह मौजूद थे। आज दिनांक करीब 10 बजे के जरिए खास मुखबिर इतला मिली थी कि सरहद आलवाड़ा में भारतमाला के पास में एक खेत आए हुए प्राणी है समर्थाराम सुनब छोगाराम प्रजापत की, अगर वहाँ तुरंत प्रभाव से दबिश दे दी जाए तो लगभग 200 से 300 पौधे मिल सकते हैं। सूचना सही होने पर DST टीम प्रभारी श्री लालाराम और मैं टीम के वो भी आ गए और थाना PS सायला की टीम व DST टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जहाँ पर करीब 310 पौधे मिले हैं और मुलजिम समर्थाराम सुनब छोगाराम प्रजापत के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। आगे तफ्तीश की जा रही है, तफ्तीश के अंदर जो तथ्य आएंगे दिखाएंगे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।